हेलो एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों प्रोड्यूसर दीपिका पादुकोण, साजिद नाडवाला, कबीर खान एंड डायरेक्टर कबीर खान की फिल्म 83 स्टारिंग रणवीर सिंह एस कपिल देव, इसका पोस्टर तो आप लोगों ने देखा होगा, ज़बरदस्त पोस्टर है और रणवीर सिंह ज़बरदस्त लग रहे हैं एस कपिल देव, और जो स्टाइल मारी है वो भी हुबहू कपिल देव की मारी है। मतलब उन्होंने बहुत मेहनत की है कपिल रणवीर सिंह से कपिल देव बनने में। अब देखते हैं 1983 में कपिल देव और उनकी टीम ने तो झंडे गाड़ दिए थे, वर्ल्ड कप जीत कर लाए थे, बहुत चौके छक्के मारे थे। तो अब रणवीर सिंह एस कपिल देव बॉक्स ऑफिस पे कितने चौके छक्के मारते ये देखना मज़ेदार होगा। क्या वो सेंचुरी मारते हैं, क्या वो फिल्म 100 डेज तक पहुंचती है? सिलो जुबली तो मुश्किल है, आज की तारीख में फिल्म में सिलो जुबली नहीं मारती, वो दौर ख़त्म हो गया। तो देखते हैं 100 डेज तक 15 वीक्स तक चलती है कि नहीं, 83 सेंचुरी मारती है कि नहीं, ये देखना मज़ेदार होगा। लेकिन कुछ भी बोलो, रणवीर सिंह कपिल देव ज़बरदस्त लग रहे हैं। तो आई एम डेफिनेटली गो एंड वॉच दिस फिल्म एज आई वॉच ऑल द फिल्म्स, लेकिन ये फिल्म देखने की मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ कि वो लुक किस तरह से उन्होंने बनाया है और किस तरह से वो परफॉर्म करेंगे वो देखने के लिए। नॉट ओनली मी, ऑल द मूवी लवर्स और एंड रणवीर सिंह फैंस एंड दीपिका पादुकोण फैंस आर वेटिंग फॉर दिस मूवी। सो ऑल द सुपर बेस्ट टू रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण एंड डायरेक्टर कबीर खान फॉर 83 विच रिलीजेज ऑन क्रिसमस। क्रिसमस तो 25 दिसंबर को हुए, तो आई थिंक 24 दिसंबर को फ्राइडे आ रहा है, तो शायद उस दिन रिलीज होगी पिक्चर और मज़ा आ जाएगा देखने में। देखते जब ये लॉकडाउन के पहले सिम्बा भी क्रिसमस वीक में लगी थी और बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, तो रणवीर सिंह 83 में एस कपिल देव क्या धमाका मचाते हैं और कितनी बड़ी फिल्म ब्लॉकबस्टर बनती है ये क्रिसमस के दिन पता चल जाएगा। सो गाइस टिल देन कीप वॉचिंग माई चैनल बॉबी बाय द मैटनी आइडल। बाय बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।